करेगी राष्ट्रीय सरकार। गुंडागर्दी चेयरमैन जेड के बैंक होश में आओ। डॉक्टर शेख गुलाम हसन साहब आपसे मुतासर हो गए। यहाँ की सरकार ने कागजों को बंद करके कहीं भी रहता हो उसको पता चले उसके असली हुकूम क्या है। चाहे मशरूम था और अपना माल मवेशी वहां पालते हैं, हमने किया कोई भी प्रोजेक्ट जो एनवायरमेंट के खिलाफ कुछ देते थे, जब से तुम लोग आए हो रिजर्वेशन के नाम पे लोगों को धोखा दिया जा रहा है, उनके अनजानापन के उन पर सियासत की जाती थी या बाकी पीएनआर ग्रुप जो बाहर से पावर कंपनी। हमारा आज यहाँ जमा होने का मुद्दा और मकसद ये है कि हमें मेहरबानी करके आपसे गुजारिश है कि वी वांट सेपरेट करेगी एसटीजीबी जो हमारा है हमें अलग किया जाए, और जो हमारी रिक्रूटमेंट है पिछले 1992 से जो हुई है उनमें बुरे सारा हमारा मार कर रहे हैं हमें, तो हम चाहते हैं कि हम उनके खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारा बिल्कुल एक डिजिग्नेटेड कोटा हो जिसमें हमारे लड़के जो पढ़े लिखे लड़के जो डिप्रेशन का शिकार है, जो इस वक्त घरों में बैठे हैं, जो डिप्रेशन का शिकार, जिनके माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके उनको पढ़ाए, हमारी सिर्फ एक ही मांग है वी वांट सेपरेट कैटेगरी फ्रॉम ग्रेज। हम चाहते हैं कि हमारा ग्रेज से कोई ताल्लुक ना रहे कैटेगरी के लिहाज से रिक्रूटमेंट के लिहाज से, हमारा अलग कोटा हो, हम अलग कोटे में फॉर्म भरे, हम अलग कोटे ताकि हमारी अपलिफ्टमेंट भी हो। जो सरकार बोलती है कि गुजरों के लिए हमने एसटी रखा है, हमें सिर्फ एसटी दिया गया नाम के लिए, हमें एसटी का कोई भी फायदा आज के वक्त में नहीं हो रहा है। जो ट्राइबल सब प्लान के तहत पैसा आता है उसका 70-80% जो है वो ग्रेज में शेयर जाता है, हमें यहाँ पे 20% दिया जाता है, वो भी नरेगा कुछ हिस्सा जो है वो आता है, वो ट्राइबल सब प्लान का थोड़ा सा हिस्सा हमें दिया जाता है। हम मांग करते हैं राष्ट्रीय सरकार से, ये मसला असेंबली में उठना चाहिए, ये मसला हर एक स्टेट में हम उठाएंगे इंशाल्लाह।